पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। हालांकि जो हीरो कृष्णा है वो उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है, वहाँ सब लोगों की जो भी भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं, अपने आप को भारतीय समझते हैं, उनके चाहे वो सिख हो चाहे बौद्धिस्ट हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी हत्याएं हुई है और मंदिर भी तोड़े गए और मस्जिद भी तोड़े गए। तो टेररिस्ट की जो है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो धर्म के आड़ में राज वो हिंसा करते हैं या राजनीति करते हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि ये यदि ये राजनीति करना चाहते हैं और इसके माध्यम से 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। उस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को जो उसको वापस बसाने की दिशा में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, और उनके लिए जो उनको स्टाइपेंड मिलता है, पेंशन मिलता है, उसमें अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई। दो तरह की बातें कही जा रही हैं फिल्म को देखने के बाद। एक पक्ष कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है और दूसरा बोल रहा है कि वहाँ का सच दिखाया गया है। आप फिल्म देखे हैं, आपको क्या लगता है? सच तो एक हिस्सा दिखाया गया है। यदि वहाँ जैसे कि उसके हीरो कृष्णा खुद ही कहते हैं कि बौद्धिस्टों को भी मारा गया है, सिखों को भी मारा गया है और मुस्लिम को भी मारा गया है, तो वो चीज़ें तो नहीं दिखाई गई।